अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाह हिर्रहमान रहीम। हमारा जो कल का टॉपिक था वो हमारा ये था प्यूरीन साल्वेज डेफिशिएंसीज और ये जेनेटिक कोड फीचर्स। ये हम बाद में पढ़ेंगे, इसको आगे जाके डिटेल में इसको हम देखेंगे जब हम जेनेटिक कोड पढ़ेंगे। आज का हमारा टॉपिक है डीएनए रेप्लिकेशन। तो डीएनए रेप्लिकेशन आज का हमारा मेन टॉपिक है, इसको हम देखेंगे डिटेल्स में। हमने कहा था कि जीन एक्सप्रेशन में हमने उसमें देखा था सेंट्रल डोगमा में, मैं रिपीट कर रहा हूँ उसको, जब चैप्टर हमने बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट की थी तब हमने देखा था कि सेंट्रल डोगमा में दो चीजें थी, एक तो जीन सॉरी डीएनए रेप्लिकेशन थी। कौन सी थी? डीएनए रेप्लिकेशन, और दूसरी चीज थी जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन और जीन एक्सप्रेशन में हमने कहा था मजीद दो चीजें हैं, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ठीक है, तो आज जो हमने देखना है वो हमने देखना है डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन हम देखेंगे, फिर हम ये जीन एक्सप्रेशन की तरफ फिर आगे जाके मूव करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक ये डीएनए रेप्लिकेशन है। और हमने कहा था कि डीएनए की जो रेप्लिकेशन होता है, डीएनए रेप्लिकेट करता है, डबल होता है, ये कौन से फेज में होता है? इंटरफेज में। इंटरफेज के एस फेज में होता है। इंटरफेज के वो जो हम पढ़ते हैं माइटोसिस में, मियोसिस में, कि एस फेज के दौरान आपका डीएनए या क्रोमोसोम्स क्या होता है? डुप्लीकेट होता है, डबल होता है। तो बेसिकली कैसे डबल होता है, व्हाट इज द प्रोसीजर बिहाइंड दैट, उसके पीछे प्रोसीजर क्या है, तो वो प्रोसीजर हम देखते हैं आज के डीएनए की रेप्लिकेशन कैसे होती है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू था कि आज हम पढ़ क्या रहे हैं चैप्टर के वाले से। तो डीएनए रेप्लिकेशन मतलब जीन रेप्लिकेट करेगा आपका, क्रोमोसोम क्या करेंगे, रेप्लिकेट करेंगे, क्रोमोसोम डबल होंगे। ठीक है, तो अब डीएनए रेप्लिकेशन यूकेरियोट्स में भी होती है और प्रोकेरियोट्स में भी होती है। तो वो कहता है कि जो आपकी डीएनए की जो रेप्लिकेशन जो यूकेरियोट्स में होती है ये मोर कम्प्लेक्स होती है। यूकेरियोट्स की जो रेप्लिकेशन होती है वो मोर कम्प्लेक्स और प्रोकेरियोट्स की क्या होती है, सिंपल सी होती है। और एक दूसरी बात करता है कि डीएनए जो रेप्लिकेट करता है वो सेमी कंजर्वेटिव मेथड होता है। कौन सा? सेमी। अभी हम प्रोसीजर नहीं देख रहे हैं कि रेप्लिकेट करता कैसे है, अभी हम उसके छोटे छोटे बेसिक कंसेप्ट देख रहे हैं छोटे छोटे, कि ये सेमी कंजर्वेटिव मेथड होता है। पहली बात मैंने क्या बताई? पहली बात मैंने ये बताई कि यूकेरियोट्स में कम्प्लेक्स होता है और प्रोकेरियोट्स में क्या होता है, थोड़ा सिंपल सा होता है। और दूसरी बात मैं क्या बता रहा हूँ कि ये सेमी कंजर्वेटिव मेथड होता है। अब देखें, ये डीएनए था, ठीक है, ये डीएनए का डबल स्टैंड, इसी से डीएनए ने क्या करना है, रेप्लिकेट करना है। एक डीएनए था, दो डीएनए के मॉलिक्यूल बन के। अब वो कहता है ये जो दो डीएनए के मॉलिक्यूल बनते हैं ये सेमी कंजर्वेटिव मेथड के थ्रू बनते हैं। अब सेमी कंजर्वेटिव मेथड क्या होता है, वो कहता है कि ये है स्टैंड, इसको हमने करना है डुप्लीकेट। जब इसको हम रेप्लिकेट करेंगे तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा कि इसका एक जो न्यू जो दो स्टैंड बनेंगे उसका एक स्टैंड तो यही पेरेंटल होगा, ये वाला, और एक स्टैंड क्या होगा, डॉटर। जो दूसरा बनेगा उसका भी एक स्टैंड पेरेंटल, एक स्टैंड डॉटर। समझ आई ये चीज? समझ आई है? मैं रिपीट कर रहा हूं इसको, देखें, ये देखें दोनों स्टैंड क्या है, पेरेंटल, सॉरी, ये दोनों स्टैंड क्या है, पेरेंटल है। जबकि इनकी बात करें, ये रेप्लीकेट हो चुका है, इनमें से ये रेड वाला देखें, ये पेरेंटल है, ब्लैक वाला क्या है, डॉटर है, इधर ये रेड वाला क्या है और ब्लैक वाला क्या है, डॉटर। तो एक पेरेंटल स्टैंड है, एक क्या है, डॉटर स्टैंड है। तो इसको क्या बोलते हैं कि ये क्या है, सेमी कंजर्वेटिव मेथड है। ठीक है, तो ये कंजर्वेटिव नहीं है बल्कि क्या है, सेमी कंजर्वेटिव है, कि आधा पेरेंटल है और आधा डॉटर है, इसको बोलते हैं इसको सेमी कंजर्वेटिव मेथड। समझ आ गया? अच्छा, इसके बाद वो कहता है कि चले ये हम आगे देख लेते हैं। अब डीएनए रेप्लिकेशन होती कैसे है, जरा प्रोसीजर की तरफ, प्रोसेस की तरफ आते हैं हम, प्रोसीजर की तरफ आते हैं। ठीक है, तो इसकी रीडिंग मैं बाद में करा देता हूँ, पहले हम ये डायग्राम से जरा इसको देखते हैं कि होती कैसे है। सबसे पहले एंजाइम आता है हेलिकेज। कौन सा एंजाइम? हेलिकेज एंजाइम, नाम तो सुना होगा इस एंजाइम का। ये एंजाइम आता है और ये आपका जो इस तरह का डबल स्टैंड होता है, इस तरह का, ये इनके दरमियान में नाइट्रोजनस बेसिस होती है, ऐसे होती है, ये नाइट्रोजनस बेसिस के हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। इसका काम होता है हेलिकेज का, के आके ये जो बॉन्ड्स हैं इनको ब्रेक करें, बॉन्ड्स को
जब बॉन्ड्स ब्रेक करेंगे तो आपका जो डीएनए है वो इस फॉर्म में आ जाता है। देखें ये स्ट्रैंड अलग हो गया और ये स्ट्रैंड भी अलग हो गया, और ये पीछे से अभी बल खाया हुआ है ना, ये अभी पीछे से उसके बल हैं, पर यहां पर उसने इसके बल खोल दिए, स्ट्रैंड को क्या कर दिया, अलग कर दिया, तो दो स्ट्रैंड क्या हो गए, अलग हो गए। तो सबसे पहली चीज कि आपका हेलिकेज आएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा, बेस पेयर जो है वो ब्रेक करेंगे, और आपका जो डीएनए का डबल स्टैंड है वो क्या हो जाएगा, अनवाइंड हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, अनवाइंड या फिर अनजिप हो जाएगा, मतलब उसकी जैसे जिप खुलती है वो जिप खुल जाएगा। अब दो स्टैंड क्या हो चुके हैं, अलग अलग, ये अलग स्टैंड और ये भी अलग स्टैंड, अब दो स्टैंड बन चुके हैं। ये आपके हेलिकेज का काम था। अब हेलिकेज के बाद अब दूसरी चीज क्या है, जैसे हेलिकेज ने इसको ओपन किया तो यहां पर आपका रेप्लिकेशन फोर्क बन गया। ये देखें ये क्या बन गया, रेप्लिकेशन फोर्क। रेप्लिकेशन फोर्क क्या होती है, रेप्लिकेशन फोर्क ये होती है कि ये वाई शेप्ड, ये देखें वाई शेप्ड क्या होती है, एक जगह होती है, रेप्लिकेशन फोर्क वाई शेप्ड जगह होती है जहां से आपका जो है ना डीएनए के दोनों स्ट्रैंड रेप्लिकेट करते हैं। अब ये स्ट्रैंड है और ये स्ट्रैंड है, अब ये रेप्लिकेशन फोर्क है, ये वाली जगह, यहां से भी डीएनए रेप्लिकेट करेगा अपना नया स्ट्रैंड बनाएगा, यहां से भी डीएनए रेप्लिकेट करेगा अपना नया स्ट्रैंड बनाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन फोर्क बोलते होते हैं। रेप्लिकेशन फोर्क समझ आ गई, हेलिकेज एंजाइम का काम समझ आ गया पहले, उसके बाद रेप्लिकेशन फोर्क भी, आई होप सो दैट कि आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद वो एक बात करता है यहां पर, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, नाम क्या बता रहा है आपको इसका, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के जहां से, वेरी गुड वेरी गुड, जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट होगी दैट इज कॉल्ड द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो अगर आप इस स्ट्रैंड को देखें तो ये जो स्ट्रैंड मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, ये जो मॉलिक्यूल है डीएनए का, आप इससे मुझे बता सकते हैं कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कितने हैं, आप कहेंगे एक ही है ये वाला है, यहीं से स्टार्ट होगी ना डीएनए की रेप्लिकेशन, इधर से ऐसे और इधर से ऐसे, ये रेप्लिकेशन फोर्क भी है, ये वाई शेप क्या है, रेप्लिकेशन फोर्क है, और रेप्लिकेशन स्टार्ट कहां से होगी, यहीं से स्टार्ट होगी ना रेप्लिकेशन, तो ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन भी हो गया, समझ आ गई ये बात। लेकिन मजे की बात मैं क्या कहता हूं, देखिए हम दो चीजों की पढ़ रहे हैं, यूकेरियोट्स की भी पढ़ रहे हैं, प्रोकेरियोट्स की भी पढ़ रहे हैं, गौर कीजिएगा जरा, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन को साइड पर रख दीजिए। जो आपका यूकेरियोट्स होते हैं उनका जो डीएनए होता है वो ऐसे ऐसे लेंथ वाइज होता है, ऐसे 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 क्या होता है, लेंथ वाइज, जबकि आपका जो प्रोकेरियोट्स होता है उसका डीएनए सर्कुलर फॉर्म में होता है ऐसे, ठीक है। अब वो कहते हैं कि पहली बात जो हमने कही कि हेलिकेज आएगा अनवाइंड करेगा, इसके जिप खोलेगा, अब जब ये आएगा जिप खोलेगा तो जिप वो यहां से खोल देगा, जिप ये यहां से जिप खोल के ऐसे हो जाएगा, ये यहां से ऐसे, ये बन गया आपका रेप्लिकेशन फोर्क, एक रेप्लिकेशन फोर्क यहां बन गया, एक रेप्लिकेशन फोर्क यहां बन गया। तो जो डीएनए की रेप्लिकेशन है वो बाई डायरेक्शनल है कि यूनिडायरेक्शनल है, बाई, क्योंकि दो रेप्लिकेशन फोर्क बने, कितने रेप्लिकेशन फोर्क बने, दो रेप्लिकेशन फोर्क बने, तो ये अच्छा। अब मुझे बताएं इसमें क्या सिर्फ और सिर्फ, अब ये सारा क्या कहलाता है, यहां से लेकर यहां तक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, अब क्या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन सिर्फ एक ही होगा, नहीं, अब अगर हेलिकेज यहां पे एक्ट करेगा तो यहां पे खोल देगा, क्योंकि आपको पता है डीएनए बहुत लंबा होता है, बहुत लेंथी होता है, 3 बिलियन बेस पेयर इसके होते हैं, पता है ना आपको, बहुत। अब अगर सिर्फ एक जगह पर ही हम डीएनए रेप्लिकेशन करते रहे तो हमें तो इतना बहुत टाइम लग जाएगा इसको रेप्लिकेट करने में। तो फिर इसी तरह एक और हेलिकेज एंजाइम आता है, वो यहां से अनवाइंड कर देता है, अब जो यहां से अनवाइंड करेगा तो ये बीच वाला, सॉरी, तो ये बीच वाला यहां से गायब हो जाएगा, ये वाला यहां से, अब ये स्टैंड खुल के ऊपर आ गया, ये स्टैंड भी खुल के, ये दूसरा ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, फिर इसी तरह तीसरा, फिर चौथा। तो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बहुत होते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन बहुत होते हैं, लेकिन उसमें जो रेप्लिकेशन फोर्क है वो क्या होती है, दो होती है, हर एक ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन में रेप्लिकेशन फोर्क कितनी होती है, दो, और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कितने होते हैं, बहुत होते हैं। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, यूकेरियोट्स की, किसकी, ये समझ आ गई ये बात, नहीं समझ आई, दोबारा मैं रिपीट करता हूं इसको। देखे हम दो चीजें पढ़ रहे हैं, हम दो चीजें देख रहे हैं, पहली चीज हम देख रहे हैं रेप्लिकेशन फोर्क और दूसरा ओरिजिन ऑफ
रेप्लिकेशन। अब हमने कहा कि ये हमारा स्टैंड है, ठीक है, डबल स्टैंड है ये जे। अब इसके ऊपर हमारा क्या आएगा, हेलिकेज आएगा। हेलिकेज आया, इसने पहली बात तो यहां से इसको अनवाइंड कर दिया, ये इस तरह का जैसे ये अनवाइंड हुआ पड़ा है, और यहां से अनवाइंड कर देगा, यहां से अनवाइंड कर देगा, चौथा अनवाइंड करेगा, पांचवा, ऐसे अनवाइंड करता जाएगा। अब ये पूरी जगह, ये सारी, क्योंकि यहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रही है, दैट इज कॉल्ड ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। ये समझ आ गई है। अब इसी ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के अंदर दो, देखें ये भी वाई शेप्ड है, ये भी वाई शेप्ड है, एक ही ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के अंदर रेप्लिकेशन फॉर्क कितनी है, दो। तो ये क्या हुआ, बाईडायरेक्शनल हुआ। क्या हुआ, बाईडायरेक्शनल, कि इस तरफ भी रेप्लिकेशन हो रही है, इस तरफ भी रेप्लिकेशन हो रही है। समझ आ गया रेप्लिकेशन फॉर्क और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होते हैं। पक्की बात है, ये था यूक्रियाट्स का, किसका, यूक्रियाट्स का। हमने कहा यूक्रियाट्स का जो डीएनए होता है वो लेंथी होता है, सीधा होता है। अब प्रोक्रियाट्स का डीएनए किस शक्ल में होता है, सेंट, अभी मैंने कहा सर्कुलर फॉर्म में होता है, ये सर्कुलर फॉर्म में होता है। अब मुझे पता है क्योंकि इसका डीएनए सर्कुलर फॉर्म में है, क्या इसमें एक से ज्यादा निप लग सकते हैं, मतलब अनवाइंड हो सकता है, नहीं, इसमें सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कितना होगा, एक, क्योंकि ये सर्कुलर फॉर्म, अगर लेंथी फॉर्म में होता तो यहां लगा देता, फिर यहां लगा देता, फिर यहां लगा देता, लेकिन ये सर्कुलर फॉर्म है तो इसका जो ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होगा वो क्या होगा, सिर्फ एक होगा। क्या वो बाईडायरेक्शनल होगा, है, होगा, क्यों, इधर से भी होगी, इधर से भी होगी, बाईडायरेक्शनल तो ये होगा। ठीक है, तो ये बात समझ आ गई है, ये बात समझ आ गई है कि इसका इसका जो रेप्लिकेशन फॉर्क ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन एक क्यों होता है प्रोक्रियाट्स का, और यूक्रियाट्स के एक से ज्यादा क्यों होते हैं। मैं वापस आ रहा हूं उसकी तरफ, अपने प्रोसेस की तरफ। सबसे पहली चीज क्या हुई, हेलिकेज आया, ठीक है, वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि हेलिकेज कैसे उसको अनवाइंड करता है और कैसे एक से ज्यादा अनवाइंड करता है और रेप्लिकेशन फॉर्क या ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन क्या होता है। अब हेलिकेज आया, ठीक है, अब हेलिकेज ने इसको क्या कर दिया, अनवाइंड कर दिया, दो सिंगल स्टैंड बन गए, ये स्टेप नंबर वन था। अब स्टेप नंबर टू क्या होगा डीएनए रेप्लिकेशन में, स्टेप नंबर टू में ये होगा कि आपका जो ये सिंगल स्टैंड बने, ये वाला सिंगल स्टैंड, जब ये सिंगल स्टैंड हो गए, देखिए एक रस्सी है मेरे पास, ये रस्सी है मेरे पास, ऐसे मैंने उसको उसके ऊपर किया हुआ है, एक ही रस्सी को उसके ऊपर वो किया हुआ है। अब मैं यहां से बल खोलता हूं यहां तक, यहां पर बल बढ़ नहीं जाएंगे, यहां पर बल बढ़ जाएंगे, जब यहां पर बल बढ़ेंगे तो मैं अगर छोड़ दूं तो ये जो बल मैंने हटाए थे ये दोबारा बन जाएंगे, ऐसे, समझ आ रही है बात। अब यही चीज यहां पे हो रही है, क्या हो रही है कि ये बल पीछे सख्त हो जाएंगे, जब ये वाले बल खुलेंगे, इधर भी तो बल थे ना, इधर भी तो ये यहां पे बल थे, ये बल खुले तो पीछे वाले बल सख्त हो जाएंगे ना। अब ये वाले बल चाहेंगे कि ये वाले बल दोबारा बन जाए, ऐसे कि ये वाले बल दोबारा बन जाए, पहली चीज ये, पहली चीज क्या कि ये वाले बल चाहेंगे कि ये वाले बल दोबारा बन जाए। दूसरी चीज ये कि आपको पता है ये वाला स्टैंड और ये वाला स्टैंड दोनों कंप्लीमेंट्री है, यानी इसके ऊपर अगर एडेनिन है तो इसके सामने इसके ऊपर क्या लगी हुई है, थायमिन। ऑफ कोर्स कंप्लीमेंट्री होते हैं दोनों डीएनए के स्टैंड्स, तो कंप्लीमेंट्री स्टैंड चाहते हैं कि हम दोबारा मिल जाए। नंबर टू पॉइंट ये हो गया, ठीक है, नंबर टू पॉइंट ये हो गया क्या कि ये बल चाहते हैं दोबारा मिल जाए, ये बल चाहते हैं कि दोबारा मिल जाए, और दूसरी बात ये क्या है, कंप्लीमेंट्री है, ये भी चाहते हैं कि हम दोबारा वापस मिल जाए। और तीसरी चीज कि आपके जो स्टैंड जब सिंगल स्टैंड हो गए तो आपके न्यूक्लियेज इंजाइम्स, कौन से न्यूक्लियेज इंजाइम्स, इन सिंगल स्टैंड के ऊपर जाके एक्ट कर सकते हैं और इनको क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ये तीसरी चीज है ना। ये तीन चीजें देखने को मिल रही है हमें, ये डीएनए की रेप्लिकेशन में ये तीन प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। पहला तो हेलिकेज ने उसको अनवाइंड कर दिया, ये बात समझ आ गई आपको। दूसरी बात, अनवाइंड तो कर दिया, अब ये बल चाहेंगे ये दोबारा मिल जाए, पहली चीज। दूसरी चीज, क्योंकि ये कंप्लीमेंट्री है, ये चाहेंगे हम दोबारा वापस मिल जाए, और हमने दोबारा इनको मिलने नहीं देना, अगर ये दोबारा मिल गए तो डीएनए रेप्लिकेशन तो नहीं हो पाएगी। और तीसरी चीज, जब ये स्ट्रैंड अलग अलग हुए हैं तो इनके ऊपर न्यूक्लियस एंजाइम एक्ट करके इनको डिग्रेड कर सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियस एंजाइम सिर्फ और सिर्फ सिंगल स्टैंड के ऊपर
एक्ट करते हैं, वो स्टैंड को डिग्रेड नहीं कर सकते। अब हमने इसका सोल्यूशन क्या सोचा, नेचर हमारी, हमारा सोल्यूशन क्या है हमारे बॉडी के अंदर, कि वो इन तीनों का सोल्यूशन क्या है। ठीक है, अब इन तीनों का सोल्यूशन एक है, क्या सोल्यूशन है, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन्स। ये हमारे पास प्रोटीन्स होती है, नाम खुद बता रहे, सिंगल स्टैंडर्ड यानी सिंगल स्टैंड ऑफ डीएनए के साथ बाइंड करने वाली जो प्रोटीन्स है, क्या नाम क्या बता रहे, कि डीएनए का जो सिंगल स्टैंड है उसके साथ बाइंड करने वाली जो प्रोटीन्स है वो आएंगी और वो प्रोटीन्स इनके साथ बाइंड कर जाएंगी। किनके साथ, किनके साथ बोला, सिंगल इसके साथ, इधर से ये बाइंड कर जाएगी, इधर से ये बाइंड कर जाएगी। अब जो सिंगल स्टैंडिंग बाइंडिंग प्रोटीन बाइंड कर गई है, इनका काम क्या है, पहली चीज ये कि हमने कहा कि न्यूक्लियस जो है ना सिंगल स्टैंड को डिग्रेड कर सकते हैं डबल स्टैंड को। अब ये इसके साथ प्रोटीन ऐड हो चुकी है, एक तरह का ये क्या बन चुका है, डबल स्टैंड। क्या न्यूक्लियस इसको डिग्रेड कर पाएगा, पहला सॉल्यूशन सॉल्व हो गया। दूसरा सॉल्यूशन हमने कहा था कि इनके ऊपर एडेनिन और इनके ऊपर थायमिन कंप्लीमेंट्री है, ये मिलना चाहेंगे, क्या अब मिलना चाहेंगे, क्या इसका थायमिन फ्री है, नहीं, इसका थायमिन तो प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ है, इसका एडेनिन भी प्रोटीन के साथ, क्या ये दोबारा वापस मिलेगा, नहीं। दूसरा सॉल्यूशन भी, दूसरा प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया। तीसरा प्रॉब्लम वही था कि ये जो बल है ये इसको मिलाना चाहेंगे, क्योंकि अब सिंगल स्टैंड बाइंडिंग प्रोटीन के साथ जुड़ चुकी हैं, तो ये दोबारा वापस आपस में नहीं, क्योंकि ये अब कंप्लीमेंट्री नहीं रहे तो ये आपस में नहीं मिलते, तो ये सॉल्यूशन सॉल्व हो गया। तो ये स्टेप टू था। स्टेप वन क्या था, रिपीट करें मेरे साथ, स्टेप वन क्या था, हेलिकेज आएगा, स्टेप वन में हेलिकेज अनवाइंड कर देगा, स्टेप टू में सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन आएंगे इसके साथ जुड़ जाएंगी। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अच्छा, आपका एक और इजाफी बात यहाँ पे बता रहा है, वो क्या बताता है, वो कहता है कि आपका जो ये हेलिकेज एंजाइम होता है ना, इसको, इस हेलिकेज एंजाइम को, आ जाए इस हेलिकेज एंजाइम को जो जीन जो कंट्रोल करता है उस जीन का नाम होता है HLM जीन। जीन का नाम क्या होता है, HLM जीन। अब ये जीन जो है ना इस हेलिकेज को कंट्रोल करता है, हेलिकेज क्या एंजाइम है, हेलिकेज क्या है, एंजाइम है, और एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन्स, और मैंने आपको बताया हुआ प्रोटीन्स कहां से बनती है, जीन से। डॉक्टर जुबैर, डॉक्टर जुबैर कैसे बनती है जीन से प्रोटीन्स, कौन से प्रोसेस के जरिए, डॉक्टर जुबैर वेरी गुड, जीन की होगी ट्रांसक्रिप्शन, उससे बनेगा आपका मैसेंजर आरएनए, ठीक है, और इसी की होगी ट्रांसलेशन, और इससे क्या बन जाती है आपकी प्रोटीन्स, और यहां पर प्रोटीन कौन सी है, हेलिकेज एंजाइम, और ये हेलिकेज एंजाइम के लिए जो जीन का मत है उसका नाम क्या है, HLM जीन। सो आई रियली वांट टू पुट इन योर माइंड दैट HLM जीन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हेलिकेज एंजाइम। ठीक है, सिंपल सी बात कि जो HLM जीन होता है ये हेलिकेज या प्रोटीन की प्रोडक्शन के लिए क्या होता है, क्या होता है, ये रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, सॉरी, ये HLM जीन नहीं होता, ये BLM जीन होता है, कौन सा होता है, BLM जीन, मुझे फीलिंग्स आ रही थी कि कुछ ऊपर नीचे हो रहा है, ये BLM जीन होता है। अब अगर ये BLM जीन हो जाए खराब तो क्या हेलिकेज ठीक रहेगा, नहीं, अगर BLM जीन में डिफेक्ट है तो हेलिकेज में क्या होगा, डिफेक्ट, तो हमें डिजीज हो जाती है ब्लूम सिंड्रोम, कौन सी, ब्लूम सिंड्रोम। बस आपने सिंपल क्या याद रखना है कि डिफेक्ट इन BLM जीन मे डिफेक्ट द हेलिकेज मे काज द ब्लूम सिंड्रोम। ठीक है, ये आपने तीन बातें बस याद रखनी है, बाकी डिटेल में हम इसको पैथोलॉजी में जाके देखेंगे कि ब्लूम सिंड्रोम क्या होती है और ये चीजें क्या होती है। ठीक है, मैं रिपीट कर रहा हूँ फिर से हैं, क्योंकि डॉक्टर तैयब और डॉक्टर तहरीम आज काफी लेट है तो उनके लिए मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ कि अब ऊपर ऊपर से रिपीट करूंगा, डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि टाइम 20 मिनट हो गए, हमने अभी थोड़ा सा पढ़ा है, अभी काफी लेंथी है डीएनए रेप्लिकेशन। स्टेप वन, हेलिकेज एंजाइम आएगा और ये इसको क्या कर देगा, बोले डॉक्टर आसिया, बोले इसको क्या कर देगा, ये अनजिप करेगा। नंबर टू, सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स आके इनके साथ जुड़ जाएंगी, इन डीएनए सिंगल स्टैंड के साथ, ठीक है, ताकि ये दोबारा वापस स्टैंड आपस में ना मिल सके।
ठीक है। चले तीसरा स्टेप देखिए, ये दो स्टेप हो गए, ठीक है। अब तीसरे स्टेप की तरफ मूव करते हैं। अब ये दो स्टेप बन चुके हैं, अब हम रेप्लिकेशन की तरफ मूव करेंगे कि बेसिकली रेप्लिकेशन होती कैसे। ये दो स्टैंड बन गए ना, एक स्टैंड ये वाला और एक स्टैंड ये वाला। अब इन दो स्टैंड के दो नाम होते हैं, ये रेप्लिकेशन फॉर्क थी। रेप्लिकेशन फॉर्क से कितने स्टैंड बन गए? दो। एक स्टैंड होता है लीडिंग स्टैंड, एक स्टैंड होता है लैगिंग स्टैंड। आपने ये नाम सुने हुए होंगे एफएससी में। अच्छा, तो एक स्टैंड है लीडिंग स्टैंड, एक स्टैंड है लैगिंग स्टैंड। अब जो लीडिंग स्टैंड है इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस स्टैंड। क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस, बिकॉज ये जो बनता है ये टूवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है। रेप्लिकेशन फॉर्क खुलती जाएगी, ये ऐसे बनता जाएगा, ये कंटिन्यूअस होता है। अब ये कंटिन्यूअस क्यों होता है, इसको कंटिन्यूअस क्यों बोलते हैं और रेप्लिकेशन कैसे होती है, वो डिटेल में देखते हैं। अब लीडिंग स्टैंड जो सबसे पहला स्टेप होता है, हमने एफएससी में ये पढ़ा हुआ है कि हमारा जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम होता है, ऐसे पढ़ा हुआ है ना कि डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम क्या करता है? रेप्लिकेशन करता है, रेप्लिकेशन को इनिशिएट। हमने एफएससी में पढ़ा था कि डीएनए पॉलीमरेज कैनॉट इनिशिएट द रेप्लिकेशन ऑन इट्स ओन सेल्फ, ये खुद रेप्लिकेशन को स्टार्ट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैंने आपको चीज बताई हुई है। क्या बताई हुई है? कि ये आपका एक न्यूक्लियोटाइड है, ठीक है, यहां पर उसका हाइड्रोक्सल है, ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड है, इसके 5 पे क्या है? फास्फेट। एक न्यूक्लियोटाइड, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, ये जुड़ेंगे तो इस तरह आपका डीएनए स्ट्रैंड बनता जाएगा। अब नया स्ट्रैंड बनाने के लिए, सबसे नया स्ट्रैंड बनाने के लिए हमें 3 प्राइम पे हाइड्रोक्सल चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए होगा। लेकिन जब हम एक नया स्ट्रैंड बना रहे हैं, ये हमने अनजिप किया हुआ है इसको ऐसे, तो ये है हमारे पास 3 प्राइम टू 5 प्राइम। इसको हम कहते हैं कि लीडिंग स्ट्रैंड है। कौन सा? इस वाले को। क्या यहां पर, ये हमने यहां पर स्टैंड बनाना है, क्या यहां पर कोई आपके पास हाइड्रोक्सल है? हाइड्रोक्सल है? नहीं, हाइड्रोक्सल तो यहां पर, देखें देखें मेरी बात सुन, नहीं समझ आ रहा आपको कि ये हमारा ऊपर वाला स्टैंड है पेरेंटल स्टैंड, इसी से हमने नीचे कौन सा बनाना है? डॉटर स्टैंड। अब अगर पेरेंटल स्टैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम है तो डॉटर स्टैंड क्या होगा? 5 प्राइम टू एंटी पैरेलल होते हैं हमेशा। अब ये 5 प्राइम है, हमें 3 प्राइम पे क्या चाहिए? हाइड्रोक्सल। क्या यहां पर 3 प्राइम पे कोई हाइड्रोक्सल है? जब कोई न्यूक्लियोटाइड ही नहीं है तो हाइड्रोक्सल कहां से आ गया? यहां पर कोई न्यूक्लियोटाइड रखा हुआ है? नहीं रखा हुआ, तो हाइड्रोक्सल भी नहीं होगा। तो आपका जो डीएनए पॉलीमरेज होता है, कौन सा? डीएनए पॉलीमरेज, इसीलिए रेप्लिकेशन को इनिशिएट नहीं कर सकता, शुरू नहीं कर सकता। वो बैठा हुआ इंतजार में कि यार अब देखें, आपका डीएनए पॉलीमरेज एक मिस्त्री है, ये एक बिल्डिंग बना रहा है, वो कह रहा है कि भाई मुझे ईंटें दोगे तो मैं ईंटें रखूंगा, मैं कैसे ऐसे काम को शुरू करूं? तो अब ये जो ईंट है, ये जो हाइड्रोक्सल है, ये कौन ला के उसको देता है? एक मजदूर ला के देता है, उसका नाम है आरएनए प्राइमेज, डॉक्टर भाई। जो मजदूर है उसका नाम है आरएनए प्राइमेज। अब आरएनए प्राइमेज आपका मजदूर है, ठीक है, ये क्या करेगा? न्यूक्लियोटाइड लाएगा। लेकिन ये आरएनए प्राइमेज है तो ये जो न्यूक्लियोटाइड लाएगा वो न्यूक्लियोटाइड किसका होगा? आरएनए का न्यूक्लियोटाइड होगा, ठीक है। अब वो आरएनए का न्यूक्लियोटाइड ये देखें, ये उसने रखा हुआ है, उसने यहां पे आके रखा आरएनए का न्यूक्लियोटाइड। अब जो आरएनए का न्यूक्लियोटाइड था उसके पास 5 प्राइम पे फास्फेट था और 3 प्राइम पे क्या था उसके पास? ये ऐसे होगा ना, ये देखिए, अगर ये आपके पास है, ये 5 प्राइम है तो ये प्राइम कौन सा होगा? 3 प्राइम होगा इसका, तो 3 प्राइम पे इसका क्या होगा? हाइड्रोक्सल। सो आरएनए प्राइमेज ने क्या किया? आरएनए प्राइमर लेके आया, वो आरएनए प्राइमर, या फिर हम इसको आरएनए न्यूक्लियोटाइड कह सकते हैं। ये तकरीबन 10 न्यूक्लियोटाइड का होता है, आरएनए प्राइमर कितना होता है? 10 न्यूक्लियोटाइड का। अब आरएनए प्राइमेज ने आरएनए प्राइमर को लाया और यहां पे आके शुरू में रख दिया, तो अब उसके पास ईंटें हैं पड़ी, उसके पास हाइड्रोक्सल है पड़ा। अब 3 प्राइम पे हाइड्रोक्सल, डॉक्टर तैयबा प्लीज फोकस, प्लीज फोकस, 3 प्राइम पे क्या है उसका? हाइड्रोक्सल है पड़ा। अब ये 3 प्राइम पे हाइड्रोक्सल है पड़ा, अब आपका आएगा डीएनए पॉलीमरेज है, अब उसके पास ईंटें हैं पड़ी, अब न्यूक्लियोटाइड पड़े होंगे उसके पास बहुत सारे,
वो क्या करता जाएगा, न्यूक्लियोटाइड को उठाएगा, यहां पे रख देगा। अब जो न्यू न्यूक्लियोटाइड रखेगा उसका ये वाला 5 प्राइम होगा, ये वाला। अब ये हाइड्रोक्सिल और फास्फेट मिल गए, इधर से 3 प्राइम पे उसको हाइड्रोक्सिल मिल गया, अगले अगला जो उसने रखा, फिर और लाके रखेगा 5 प्राइम पे फास्फेट और 3 प्राइम पे फिर क्या होगा, तो इस तरह ये मूव करता जाएगा और क्या बना देगा आपका, नया स्ट्रैंड। समझ आ गई है कि लीडिंग स्ट्रैंड में बेसिकली ये फॉर्मेशन कैसे होती है? रिपीट करने की जरूरत है इसको, रिपीट करूं मैं इसको? चले मैं जल्दी से इसको रिपीट कर देता हूं ताकि आपके माइंड में ये फिक्स हो जाए, बिल्कुल कभी भी ना भूले। टाइम तो इसके ऊपर ज्यादा लग रहा है लेकिन खैर इट्स ओके, टॉपिक तो कवर अप हो जाएगा। देखें मैं एक और कलर से करता हूं। देखें आरएनए, देखें स्टेप बता रहा हूं, लीडिंग स्ट्रैंड का सबसे पहला स्टेप कौन सा है लीडिंग स्ट्रैंड का, कि आपका प्राइमेज आया, उसने 10 न्यूक्लियोटाइड का प्राइमर रख दिया। अब ये प्राइमर किसके थे, आरएनए के, डीएनए के नहीं। हम किसको रेप्लिकेट कर रहे हैं, डीएनए को, तो डीएनए के प्राइमर आने चाहिए, नहीं, आरएनए प्राइमेज आता है और आरएनए के प्राइमर रख देता है, कितने 10 न्यूक्लियोटाइड। अब इसके 5 प्राइम पे फास्फेट है, 3 प्राइम पे क्या है, हाइड्रोक्सिल। जैसे ही हाइड्रोक्सिल को देखेगा आपका डीएनए पॉलीमरेज, अब कौन आया, डीएनए पॉलीमरेज। अब डीएनए पॉलीमरेज यहां से न्यूक्लियोटाइड उठाएगा, लेकिन ये वाला न्यूक्लियोटाइड आप डीएनए के हैं, किसके हैं, तो ये डीएनए के न्यूक्लियोटाइड यहां पर रख देगा, यहां पे 5 फास्फेट पे 5 पे फास्फेट इनको मिला देगा, फिर एक और न्यूक्लियोटाइड डीएनए का रखता जाएगा, डीएनए का रखता जाएगा, ऐसे आगे रखता जाएगा, ठीक है। लेकिन अब ये रेप्लिकेशन तो हो रही है टुवर्ड्स रेप्लिकेशन फोर्क, लेकिन यहां पर देखें ये क्या रखा हुआ है, आरएनए प्राइमर, क्या रखा हुआ है, आरएनए प्राइमर। अच्छा इसमें एक डिफरेंशिएट होता है, अभी इस वाले पॉइंट को आप भूल जाएं, इस वाले पॉइंट को भी आप भूल जाएं, इसमें एक डिफरेंशिएट होता है, क्या डिफरेंशिएट होता है, वो डिफरेंशिएट ये होता है कि आपका जो डीएनए पॉलीमरेज की टाइप्स हैं वो डिफरेंट होती हैं, प्रोक्रियाट्स में डिफरेंट, यूक्रियाट्स में। अभी हम जो डीएनए पॉलीमरेज पढ़ रहे हैं कि डीएनए पॉलीमरेज आके ईंटें लगाता जाता है, तो ये डीएनए पॉलीमरेज आपका जो प्रोक्रियाट्स होते हैं, प्रोक्रियाट्स में ये डीएनए पॉलीमरेज होता है 3, डीएनए पॉलीमरेज 3 ये जो रखता है डीएनए पॉलीमरेज 3, और ये जो ये हो गया प्रोक्रियाट्स में, और जो यूक्रियाट्स में होता है वो होता है पॉलीमरेज अल्फा एंड पॉलीमरेज डेल्टा, पॉलीमरेज अल्फा एंड पॉलीमरेज डेल्टा, ये दो पॉइंट्स थे। समझ आ गई है, ये एमसीक्यू सी छोटी सी बस, ठीक है। अच्छा अगली चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद करें मैंने आपको कहा था कि अगर एक डीएनए का स्ट्रैंड है ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम और उसका एंटी पैरेलल है 5 प्राइम टू ये भी 3 प्राइम, तो यहां पे एडेनिन थायमिन साइटोसिन गुआनिन, तो इसको रिटर्न कौन सी शक्ल में करते थे, राइट कौन सी डायरेक्शन में करते थे, 5 प्राइम टू, मैंने कहा था ये चीजें आपने याद रखनी है, भूल सकती है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम हम इसको क्या करते थे, राइट करते थे। तो उस चीज को साइड पे रखें, अब इधर आ जाए। अब रेप्लिकेशन, आपका जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम है वो इसको रीड कौन सी शक्ल में करेगा, 3 प्राइम टू 3 प्राइम टू 5 प्राइम में, चीजें थोड़ी मिक्स हो रही है, ठीक है। हम जब कोड लिखते हैं डीएनए का तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम लिखते हैं। अब आपका जो डीएनए पॉलीमरेज है, ये एमसीक्यूज है, इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है यूएसएमएल की, जो डीएनए पॉलीमरेज है वो स्ट्रैंड को रीड कहां से करता है, 3 प्राइम से, ऑफ कोर्स रीड करेगा ना, वो न्यूक्लियोटाइड तो यहां पर लगा रहा है, न्यूक्लियोटाइड लगा रहा है, लेकिन यहां पर एडेनिन होगा तो यहां पर थायमिन लगाएगा, एडेनिन को पढ़ के कंप्लीमेंट्री लगाएगा ना, यहां पर साइटोसिन है तो यहां पर गुआनिन। अब ये जो ऊपर वाले स्ट्रैंड को जो पहले रीड करता है ना, देखता है, पहले आएगा रीड करेगा, यहां पर ए है, ये जो उसने रीड किया है वो रीड करेगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन में, और वो जो न्यू स्ट्रैंड बनाएगा वो कौन से बनाएगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में। सो सिंथेसिस इज फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम, सिंथेसिस कहां से है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, और रीडिंग डीएनए पॉलीमरेज की कहां से है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। अब ये बात समझ आ गई है, हैं कि नहीं समझ आई, आ गई है, चले अब ये हो गया, ये बात फिर मैं बता रहा हूं कि ये रीड कहां से करेगा, 3 प्राइम टू, और सेंसेस कहां से करेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है, समझ आ गई है। अब हेलिकेज मजीद एक्ट करेगा, मजीद इसको अनवाइंड करेगा, ये मजीद इस तरफ रेप्लिकेशन होती जाएगी। लीडिंग स्ट्रैंड समझ आ गया,
पक्की बात है। कोई चीज रह गई है आपकी, कोई सवाल, कोई कन्फ्यूजन? चले मैं देख लूं कि आपकी कोई चीज यहां से रहने लगी। खैर हो गया। अब है हमारे पास लैगिंग स्टैंड, जो कि टफ भी समझा जाता है ना। लैगिंग स्टैंड अक्सर समझ नहीं आता। चले इसकी हम तबीयत साफ करते हैं, कैसे समझ नहीं आता ये अगर। अच्छा चले, अब जो हम कहते हैं जो लैगिंग स्टैंड होता है, क्योंकि ये अवे फ्रॉम द एप्लीकेशन फॉर्क होता है, ऐसे हमने ये ऐसे किया, ये इसको यहां से अनवाइंड किया, यहां से मिला हुआ, यहां से भी हम कहते हैं यहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हुई, इस तरफ होती जाएगी होती जाएगी। एक वक्त आएगा यहां पर तो बंद है, यहां पर रेप्लिकेशन खत्म हो जाएगी, फिर आपका डीएनए पॉलीमरेज यहां से जंप करके इधर जो मजीद खुल चुका होगा, ये मजीद खुल जाएगा ना फिर ऐसे, क्योंकि आगे खुलता जा रहा है डीएनए हेलिकेज से, तो आपका आरएनए पॉलीमरेज यहां से जंप करके फिर यहां आ जाएगा, फिर यहां से यहां तक बनाएगा, फिर देखेगा आगे तो मैंने पहले बना रखी थी, यहां पे खत्म कर देगा, फिर जंप करके जाएगा। तो ये होता है आपका लैगिंग स्टैंड, ठीक है? ये डिसकंटिन्यूअस होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता। ये बात समझ आ गई है कि लैगिंग स्टैंड डिसकंटिन्यूअस क्यों होता है? क्योंकि वो रेप्लीकेशन करता जाता है करता जाता है, आगे देखता है कि यहां तक रेप्लीकेशन कंप्लीट हो गई, फिर जंप करके वापस, फिर जंप करके वापस। तो इस तरह उसके क्या बनते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं। ओकाजाकी फ्रेगमेंट छोटे छोटे टुकड़े, कि एक टुकड़ा यहां उसने बना दिया, एक यहां बना दिया, एक यहां, ऐसे बनाता जाएगा। ये टुकड़े क्या कहलाते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। अब यहां पर रेप्लिकेशन कैसे होती है, लैगिंग स्टैंड में बेसिकली रेप्लिकेशन होती कैसे है वो भी देख लेते हैं, कैसे होती है। देखें अब ये वाला स्टैंड 5' टू 3', ये पेरेंटल स्टैंड है। अब जो न्यू स्टैंड बनेगा वो कहां से कहां बनेगा, 5' टू, सेंसेस कहां से होती है, 5' टू 3'। अब हमने 5' टू 3' जाना है। अब हम लोग यहां से आए रेप्लिकेशन फॉर्क पे, यहां पे पॉलीमरेज बैठा हुआ था, पॉलीमरेज ने कहा कि जी मुझे ईंट ला के दो। अब ईंट क्या है, हमें पहले ईंट 3' पे हाइड्रोक्सल चाहिए, तो क्या यहां पर कोई हाइड्रोक्सल है, नहीं, इसके पास कोई हाइड्रोक्सल ही नहीं है, तो ये काम स्टार्ट नहीं कर पाएगा, इसके पास ईंट नहीं है। फिर आपका क्या आएगा, आरएनए प्राइमेज, जो यहां पे आया था आरएनए प्राइमेज, आरएनए प्राइमेज आएगा और आरएनए प्राइमर यहां पे लाके रख देगा। क्या लाके रख देगा, आरएनए प्राइमर, बिल्कुल सेम वैसे ही, 5' इस तरफ, 3' इस तरफ। अब 3' पे क्या था, उसका हाइड्रोक्सल था। अब आपका डीएनए, जो डीएनए पॉलीमरेज है, वो कहेगा मुझे ईंट मिल गई है, मुझे हाइड्रोक्सल। अब ये तो था आरएनए का, अब वो डीएनए का उठाएगा न्यूक्लियोटाइड, यहां पे रखेगा, 3' पे हाइड्रोक्सल है, 5' पे फास्फेट मिला देगा, ऐसे मिलाता जाएगा। एक वक्त आएगा कि वो जाते जाते उसने देखा यहां तक रेप्लिकेशन ऑलरेडी कंप्लीट थी। अब वो जब यहां तक आया उसने देखा रेप्लिकेशन कंप्लीट है, तो ये आपका एक मुकम्मल क्या बन गया, ओकाजाकी फ्रेगमेंट। इसी तरह बेसिकली ओकाजाकी फ्रेगमेंट बनता यहां से, पहले यहां से बनेगा, फिर यहां से ये अनवाइंड हो जाएगा, फिर यहां से जंप करके फिर यहां आएगा, फिर ये दूसरा ओकाजाकी फ्रेगमेंट, फिर यहां से अनवाइंड, फिर यहां से यहां तक। समझ आ रही है चीज, मैं इसको रिपीट करता हूं कि यहां से वो पहला रखेगा, क्या रखेगा, आरएनए प्राइमर, 3' पे हाइड्रोक्सल होगा, वो ऐसे मिलाता जाएगा मिलाता जाएगा मिलाता जाएगा, ये एक ओकाजाकी फ्रेगमेंट बन गया। आगे उसने देखा यहां तक कंप्लीट हो गया, वो यहां से जंप करके इधर आएगा, फिर बनाएगा, फिर यहां से जंप करके फिर बनाएगा, तो बन गए ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। तो इस तरह आपके क्या बन जाते हैं, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। अब मुझे बताएं लैगिंग स्टैंड में क्या आरएनए प्राइमर सिर्फ एक नीड है, लैगिंग स्टैंड नहीं, इधर भी आरएनए प्राइमर नीड था, इधर भी आरएनए प्राइमर, इधर भी आरएनए प्राइमर, तो आरएनए प्राइमर ज्यादा नीड है, तो इसलिए इसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस। क्या बोलते हैं, डिसकंटिन्यूअस, जबकि ये वाला स्टैंड लीडिंग स्टैंड क्या है आपका, कंटिन्यूअस स्टैंड है। समझ आ गया आपका ये लैगिंग स्टैंड, नहीं समझ आया, अगर समझ नहीं आया तो मेरे पैसे वापस कर दे, हैं? आ गया समझ, चलो मैं देख लूं कि कोई चीज। अच्छा वो क्या कहता है, वो कहता है ये जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स होते हैं, ये हमने कहा ना ओकाजाकी जो फ्रेगमेंट्स बने हैं, वो कहता है अगर हम बात करें प्रोक्रियार्ट्स की, तो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स होते हैं 1000 to 2000 बेस पेयर्स लेंथी होते हैं, ये वाले ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स, और अगर हम बात करें यूक्रियार्ट्स की तो ये 100 to 200 न्यूक्लियोटाइड्स, या फिर हम कह सकते हैं बेस पेयर, ये लेंथी होते हैं, ठीक है? ये एमसीक्यूज है कि आपके यूक्रियार्ट्स में कितने लेंथी होते हैं और प्रोक्रियार्ट्स में कितने लेंथी होते हैं। अच्छा अब मैं क्वेश्चन पूछूं,
हल्के हल्के से हैं, मुझे ये बताएं डीएनए पॉलीमरेज लीडिंग और लैगिंग दोनों स्ट्रैंड में रीडिंग कहां से कहां करेगा? रीडिंग, वेरी गुड, 3' to 5' दोनों स्ट्रैंड में, और वहां पर वो रीडिंग तो होगी, सेंसेस कहां से करेगा? 5' to 3', वेरी गुड। मैं देख लूं कि कोई चीज रहना गई है, और सेम वही चीज आरएनए पॉलीमरेज कौन सा होगा? 3 प्रोक्रियाट्स में, और अल्फा एंड डेल्टा यूकेरियोट्स में होगा। अब ये जो ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बन गए हैं, एक ओकाजाकी फ्रेगमेंट यहां पे बना, एक यहां पे बना, एक यहां पे। अब इन ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को हमने आपस में भी तो मिलाना है, वो कैसे मिलाएंगे? आपका एक एंजाइम आएगा डीएनए लाइगेज, डीएनए लाइगेज, इसका नाम तो सुना ही होगा आपने कि डीएनए लाइगेज इनको आपस में क्या कर देता है? मिला देता है। ठीक है, समझ आ गई ये चीज, ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को आपस में मिला देता है। अब एक और चीज, वो चीज क्या है? वो कहता है कि आपका ये जो हमने डीएनए रेप्लिकेशन तो कंप्लीट कर लिया है, लेकिन हियर इज अ प्रॉब्लम। कहते हैं व्हाट इज द प्रॉब्लम? वो कहते हैं ये वाले जो हमने आरएनए प्राइमर डाले थे, ये वाले, ये तो आरएनए प्राइमर है, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन में हमें क्या चाहिए? डीएनए प्राइमर्स, डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स चाहिए। ये तो आरएनए न्यूक्लियोटाइड्स है, हमें कौन से चाहिए? सो हम अब क्या करें? वो कहते हैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं, यूकेरियोट्स में डिफरेंट तरीका है, प्रोकेरियोट्स में डिफरेंट। वो कहते हैं यूकेरियोट्स में क्या तरीका है? वो कहते हैं यूकेरियोट्स में आपका आता है RNAs H, ये एंजाइम आता है, ये एंजाइम आके आपके जो RNA प्राइमर है, ये तो RNA के हिस्से है ना, लेकिन हमें यहां DNA के हिस्से चाहिए, ये RNA प्राइमेज आके इनको रिमूव कर देता है, क्या कर देता है? रिमूव कर देता है यूकेरियोट्स में, कहां पर? यूकेरियोट्स में, वो आके इनको क्या कर देता है? रिमूव, RNA प्राइमर रिमूव हो गए, जहां पर आरएनए प्राइमर रिमूव होंगे वहां पे तो गैप रह जाएगा, है ना? अब यहां पर गैप रह गया, यहां पर गैप रह गया, यहां पर भी गैप रह जाएगा, यहां पर भी गैप रह जाएगा। अब ये गैप हमें फिल करने हैं, तो ये गैप फिल करने के लिए पॉलीमरेज डेल्टा आता है, पॉलीमरेज डेल्टा। आई एम टॉकिंग अबाउट यूकेरियोट्स, कीप इन माइंड, आई एम टॉकिंग अबाउट यूकेरियोट्स, नॉट प्रोकेरियोट्स। इन यूकेरियोट्स ये जो आरएनए प्राइमर होते हैं, इनको रिमूव कौन करता है? आरएनएज एच एंजाइम, और उन्हीं की जगह पर न्यू डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स कौन लगाता है? पॉलीमरेज डेल्टा। बट इफ यू टॉक अबाउट द पॉलीमरेज, देन द सेम एंजाइम नेम्ड एज, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट द प्रोक्रियाट्स, तो प्रोक्रियाट्स में डीएनए पॉलीमरेज वन होता है, वो इनको रिमूव भी करता है आरएनए प्राइमर को, और इन्हीं की जगह पर डीएनए प्राइमर भी लगाता है। दो चीजें हैं, इन यूकेरियोट्स आरएनएज एच रिमूव द आरएनए प्राइमर, एंड पॉलीमरेज डेल्टा एड्स द डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स, ओके? बट इन केस ऑफ प्रोक्रियाट्स द ओनली वन एंजाइम नेम्ड एज पॉलीमरेज वन, पॉलीमरेज वन दैट रिमूव्स द आरएनए प्राइमर्स, एंड द सेम एंजाइम एड्स द डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, समझ आ गई ये बात? अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज अब आ गई है, वो क्या है? दैट इज अबाउट प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग क्या है? यहां तक समझ आ गया? इसको रिपीट तो नहीं करना शुरू से, कि स्टेप वन में हेलिकेज आया, अनवाइंड किया, स्टेप टू में सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन्स आके लग गई, स्टेप थ्री क्या था कि आपके ये अलग अलग हो चुके हैं, स्टेप थ्री में आपका लीडिंग स्ट्रैंड बन रहा है, फिर स्टेप टू में सबसे पहले आपका कौन सा आएगा? आरएनए प्राइमेज, आरएनए प्राइमर डालेगा, फिर डीएनए पॉलीमरेज एंड आरएनए प्राइमर्स को देख के आगे कंप्लीट कर देगा, और ये कंटिन्यूअस होता है, और ये वाला क्या होता है? डिसकंटिन्यूअस होता है। इसमें ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बनते हैं, ये ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स को आपस में कौन मिलाता है? डीएनए लाइगेज, कौन मिलाता है? डीएनए लाइगेज। और ये जो आरएनए प्राइमर्स बने हैं, इनको यूकेरियोट्स में कौन रिमूव करेगा? आरएनएज एच एंजाइम, और लगाएगा कौन? पॉलीमरेज डेल्टा। प्रोक्रियाट्स में कौन इनको रिमूवर ऐड करेगा? पॉलीमरेज वन। सेम, समझ आ गई चीज? अब एक मजे की चीज है, वो क्या है? वो कहता है प्रूफ रीडिंग, कौन सी?
प्रूफ रीडिंग, ये क्वालिटी होती है आपके डीएनए पॉलीमरेज की, क्यों प्रूफ रीडिंग। अब ये क्या था, मिस्त्री काम कर रहा है, उसने ईंटें लगाता गया, आगे जाके वो यहां पर पहुंच गया, उसने कहा यार ये यहां पर तो मैंने ईंट गलत रख दी है, क्या कर दिया, तो मैंने ईंट गलत रख दिया, तो वो क्या करेगा, यहां से ये वाली ईंट उठा लेगा और जो ठीक ईंट थी उसको उठा के यहां पे रख देगा दोबारा। इस बात का क्या मतलब है, इस बात का ये मतलब है कि डीएनए पॉलीमरेज क्या कर रहा था, स्टैंड बना रहा था। अब यहां पर उसने एडेनिन देखा, यहां पर उसको थायमिन रखना था, लेकिन भूल के उसने क्या रख दिया, गुआनिन। तो ये देखेगा यार मैंने तो मिस्टेक कर दी है, अब इस मिस्टेक को रीड करना प्रूफ रीडिंग है, दोबारा रीड करना, कंफर्म करना कि मैंने ठीक बनाया कि नहीं बनाया, दोबारा एक बार देखना। वो इसको देखेगा यार मैंने तो यहां पर गलती कर दी है, तो वो गुआनिन को हटा देगा और क्या लगा देगा, थायमिन। दिस इज कॉल्ड प्रूफ रीडिंग, कि दोबारा वापस आओ देखो कि मैंने आया कोई गलती तो नहीं कर दी और उस गलती को सुधारना, दैट इज कॉल्ड प्रूफ रीडिंग। अब देखें अब यहां मजे की चीज क्या है, मजे की चीज, और ये प्रूफ रीडिंग सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज के पास होती है, आरएनए पॉलीमरेज के पास नहीं, ये डिफरेंस है, यूएसएमली के एमसीक्यूज है कि प्रूफ रीडिंग सिर्फ डीएनए पॉलीमरेज के पास होती है, आरएनए पॉलीमरेज के पास नहीं होती। अब मजे की चीज क्या है, डीएनए पॉलीमरेज रीड कहां से कहां करता है, 3' to 5', और सेंथेसिस कहां से करता है, 5' to 5'। प्रूफ रीडिंग कहां से कहां करेगा, दैट्स द क्वेश्चन। प्रूफ रीडिंग 3 to 5, क्योंकि ये वाला जो स्टैंड आपका बन रहा है, ये वाला, एक सेकंड, ये वाला स्टैंड बन रहा है, ये कहां से कहां बन रहा है, 5' to 3'। अब पॉलीमरेज यहां पर पड़ा हुआ है, अब उसने वापस प्रूफ रीड करना है, प्रूफ रीड तो उसने इसको करना है कि मैंने ईट सही रखी है कि नहीं रखी, अब तो वापस की तरफ प्रूफ रीड करेगा, तो 3' to 5' क्या करेगा, वो प्रूफ रीड करेगा। तो रीड का वर्ल्ड एक नमूने बता रहा हूं, रीड का वर्ल्ड जहां पर भी आया आप कहेंगे 3' to 5', भले वो प्रूफ रीडिंग है, भले वो डीएनए पॉलीमरेज की रीडिंग है, दैट इज द रीडिंग 3' to 5', और सेंथेसिस का लफ्ज जहां पर भी आया दैट इज फ्रॉम 5' to 3'। समझ आ गई ये चीज कि नहीं समझ आई। अच्छा जी, अब एक और चीज आ गई है, टोपोआइसोमरेज 1 एंड टोपोआइसोमरेज 2। अब थोड़ी देर पहले मैंने आपको चीज कही है, क्या मैंने बताया, मैंने कहा कि जब हम इसको अनवाइंड करते हैं यहां से, ये मैंने कहा एक रस्सी है, उसके मैंने डबल बल किए हुए थे, मैंने कहा कि मैंने यहां से बल खोले, इसके यहां से यहां तक मैंने बल खोल दिए, तो यहां पर बल सख्त हो जाएंगे ना, बल ज्यादा हो जाएंगे, और ये बल कहेंगे कि मैं इसको क्या करूं, दोबारा बल वापस चले जाए। इसे कहते हैं पॉजिटिव कॉइलिंग, क्या कहते हैं, या फिर सुपर कॉइलिंग, क्या कहते हैं, सुपर कॉइलिंग। मतलब ये जो आपके जो बल थे ये बढ़ गए हैं, बल क्या हो गए, यहां से अनवाइंड करने से ये बल बढ़ गए हैं, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव कॉइलिंग और दैट इज कॉल्ड सुपर कॉइलिंग। सेम थिंग हेयर, क्या कि ये देखें, ये ऐसे जब ये खुलेगा यहां बल बढ़ जाएंगे ना, क्योंकि इधर भी तो बल थे, बल इस तरफ मूव कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव कॉइलिंग। और अगर ये पॉजिटिव कॉइलिंग बढ़ती जाए, मैं इसको अनवाइंड करता जाऊं, एक वक्त आएगा आपका डीएनए टूट जाएगा ना यहां से, वो तो डिग्रेड हो जाएगा रस्सी, एक वक्त तक उसके बल इकट्ठे होंगे, फिर तो वो बल इतने सख्त हो जाएंगे कि आगे मजीद वो नहीं खुलेगी। तो इसके लिए वो क्या करता है, टोपोआइसोमरेज लेके आता है, क्या लेके आता है, टोपोआइसोमरेज। अब टोपोआइसोमरेज दो टाइप्स होती है, 1 and 2, ये एंजाइम, इन एंजाइम का काम क्या है कि ये जो बल बड़े हुए थे यहां पे आ गए, इनको नेक लगा देगा, कट लगा देगा, ये रस्सी को जो बल पड़े हुए हैं हमने उसको क्या करना है, काटना है, एक रस्सी को काटेंगे, फिर उस रस्सी को उठा के, अब एक रस्सी को हमने काटा, ये जो रस्सी इस तरह थी, एक को हमने काटा और उसको उठा के हमने बल खोले और बल खोल के उसको दोबारा जोड़ दिया, तो बल ढीले पड़ जाएंगे, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव कॉइलिंग, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव कॉइलिंग। तो जो टोपोआइसोमरेज 1 and 2 है ये क्या करते हैं, नेगेटिव कॉइलिंग करते हैं। ये चीज समझ आ गई है, जो सुपर कॉइल होते हैं उन कॉइल्स को हमने क्या करना है, कम करना है, दैट इज कॉल्ड नेगेटिव कॉइलिंग। समझ आ गई है, पक्की बात है कि नहीं समझ आई। अब टोपोआइसोमरेज 1 and 2 है, डॉक्टर तरीम समझ आ गई, पक्की बात है, डॉक्टर तैयबा, डॉक्टर जुबैर, चलें जी। अब जो टोपोआइसोमरेज 1 है, ये डीएनए का डबल स्ट्रैंड है ना, ये एक में
निक करेगा, उसको काटेगा और बल्क खोलेगा, इसको दोबारा जोड़ देगा। और जो टोपोइसोमरेज 2 है वो दोनों स्ट्रैंड को निक करेगा, दोनों स्ट्रैंड को निक करेगा। जैसे दोनों स्ट्रैंड को तोड़ेंगे बाल जल्दी जल्दी खुद ब खुद खुल जाएंगे और फिर उनको आपस में जोड़ देगा। तो टोपोइसोमरेज 1 और टोपोइसोमरेज 2 इस तरह होते हैं। और टोपोइसोमरेज 2 का एक और नाम होता है डीएनए गायरेज। टोपोइसोमरेज 2 का नाम होता है डीएनए गायरेज भी इसको बोलते होते हैं। ठीक है, समझ आ गया टोपोइसोमरेज की एक्टिविटी, टोपोइसोमरेज 1 एंड टोपोइसोमरेज 2। और ये उसको दोबारा रीएनील नहीं होने देते, क्योंकि अगर ये सुपर कॉइलिंग हो तो ये दोबारा वापस आएगा ना। तो ये इस तरह का सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग जो प्रोटीन होती है उनकी एक तरह से हेल्प करता है। ठीक है, समझ आ गया है? मेरा गला बैठ रहा है, लेक्चर काफी लंबा हो गया। सो नेक्स्ट थिंग इज टीलोमेरेज एक्टिविटी। कौन सी? ये अक्सर बच्चों को समझ नहीं आती, कीप इन माइंड, फोकस करके बैठे जरा इसको समझ लें, क्योंकि ये फिर आसानी से इस तरह की चीज नहीं मिलेगी, ये समझ नहीं आती अक्सर बच्चों को। अब ये टीलोमरेज एक्टिविटी क्या होती है? टीलोमरेज ये आपका एंजाइम होता है। क्या होता है? ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। कौन सा? मैंने एक नाम बताया था रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का, एक और नाम बताया था, क्या नाम था वो? डीएनए डायरेक्टेड भी था, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। मतलब ये आरएनए से क्या बनाएगा? डीएनए आरएनए से क्या बनाएगा? डीएनए बना देगा, इसलिए इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टिव। वैसे बेसिकली क्या होता है, डीएनए से क्या बनता होता है? आरएनए। लेकिन ये आरएनए से क्या बना रहा है? डीएनए, इसलिए इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज या फिर आरएनए डिपेंडेंट। आरएनए के ऊपर डिपेंड करके डीएनए बनाएगा, इसको डीएनए पॉलीमरेज बोलते हैं। आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ये आपका टीलोमरेज एंजाइम होता है। अब टीलोमरेज एंजाइम का काम है टीलोमर्स बनाना। नाम है टीलोमरेज एंजाइम, टीलोमरेज, और काम है टीलोमर्स बनाना। अब कैसे बनाता है? अब आपका ये जो टीलोमरेज एंजाइम होता है, इस टीलोमरेज एंजाइम के पास अपना आरएनए प्राइमर होता है। क्या होता है? आरएनए प्राइमर, यानी आरएनए सीक्वेंस होता है। और वो सीक्वेंस होता है इसके पास ए ए टी सी सी सी, ये सीक्वेंस होता है इसके पास। अब ये अपना अपना ये यूज करेगा, ये वाला, ये आरएनए है ना, ये आरएनए है ना, इसको देखेगा, इसको रीड करेगा, और इसको रीड करके इसी से क्या बना देगा आपका? डीएनए। डीएनए कैसे बनेगा? एक जगह पर टी टी ए जी जी जी, सो दिस सीक्वेंस टी टी ए जी 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 इज कॉल्ड टीलोमर सीक्वेंस, इज कॉल्ड टीलोमर सीक्वेंस। ये चीज समझ आ गई है कि टीलोमरेज एंजाइम जो है ना आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट एंजाइम है, इसके पास अपना आरएनए सीक्वेंस होता है, ये उसको यूज करके अपना डीएनए सीक्वेंस प्रिपेयर कर लेता है, दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड टीलोमर सीक्वेंस। समझ आ गई ये बात? अब ये बनाता क्यों है, इसका काम क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है ना? अब जब आपका डीएनए रेप्लिकेट होता है ना, इसको डिटेल में नहीं बताता, डिटेल में चला गया तो फिर समझ सारी भूल जाएगी आपको, मैं इसको साफ कर लूं। हर साल जो आपका, हर बार जो आपका डीएनए रेप्लिकेट होता है, हर बार ये ऐसे है, ये जब नेक्स्ट टाइम रेप्लिकेट होता है, ये तो ओरिजिनल स्ट्रैंड है, जो पैरेंटल स्ट्रैंड है वो तो थोड़ा आधा रह जाता है। क्यों? क्योंकि ये देखें आप, ये यहाँ पे आरएनए प्राइमर था, इसने रिमूव होना है। जब आरएनए प्राइमर रिमूव होगा तो ये स्टैंड तो पूरा है, लेकिन ये स्टैंड आधा है। अब जब ये वाला स्टैंड नेक्स्ट टाइम करेगा, ये यहां और ये यहां, अब ये नेक्स्ट टाइम करेगा यहां 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 यहां, एक वक्त आएगा कि आपका क्रोमोसोम या डीएनए क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खत्म। लेकिन हम नहीं चाहते कि ये खत्म हो जाए, हम नहीं चाहते कि ये खत्म हो जाए, तो हम क्या करते हैं कि जो नया स्टैंड बना है ये शॉर्ट है, ये क्या है? शॉर्ट है। अब आपका यहां पे आता है टीलोमरेज एंजाइम। क्या आता है? टीलोमरेज एंजाइम। जब टीलोमरेज एंजाइम आएगा, वो अपना सीक्वेंस यूज करके यहां पर टीलोमर सीक्वेंस डाल देगा। वो कौन सा है? टी टी ए जी जी जी। अब आपका स्टैंड क्या हो जाएगा? पूरा हो जाएगा। तो इस तरह आपकी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, जो यहां पर लगी हुई थी, वो डिलीट नहीं होगी नेक्स्ट वाले में, वो डिलीट। अब नेक्स्ट वाले में ये स्टैंड रेप्लिकेट करेगा ऐसे, तो ये फिर ऐसे होगा, ये फिर डाल देगा, फिर इसको क्या कर देगा? कंप्लीट कर देगा। तो इस तरह आपके टीलोमर और टीलोमरेज की ये क्या होती है? एक्टिविटी होती है। समझ आ गई है? अब
अब बेसिकली इसकी भी एक लिमिट होती है, इसकी क्या होती है, अब एज के साथ साथ आपका ये कम पड़ता जाता है, भले जितना भी इसकी एक लिमिट होती है, लिमिट से ज्यादा ऐड नहीं करेगा। अब ये कम तो पड़ जाएगा, हर बारी पे कम पड़ता जाएगा थोड़ा, लेकिन थोड़ा थोड़ा कम पड़ता जाएगा, और एज के साथ साथ आपका डीएनए क्या होता जाएगा, ऐसा ऐसा डिग्रेड और कम होता जाएगा, ठीक है, एज के साथ साथ ऐसा ऐसा वो, क्योंकि लिमिट होती है। अगर ये लिमिट से क्रॉस कर जाए, लिमिट से ज्यादा टेलोमेरेज एंजाइम एक्ट करना शुरू हो जाए, सुपर रेगुलेटेड हो जाए, तो आपको फिर क्या हो जाती है, आपको ऑफन डिसरेगुलेटेड इन कैंसर सेल, फिर आपको क्या हो जाएंगे, कैंसर सेल। आपको पता है कैंसर सेल की रेप्लिकेशन नहीं रुकती, वो तो रेप्लिकेशन होती रहती है, क्यों, क्योंकि उसमें तो ये खत्म ही नहीं हो रहा, क्रोमोसोम खत्म ही नहीं हो रहा, क्योंकि इनकी एक लिमिट होती है कि एक रेप्लिकेट तक ये लगते हैं, फिर आगे नहीं लगते तो रेप्लिकेशन रुक जाती है। अब ये तो डिसरेगुलेटेड है, ये लग रहे हैं टेलोमेरेज लग रहे हैं, तो जो आपकी जो वो रेप्लिकेशन है वो क्या है, अनकंट्रोल्ड है, सो इट विल कॉज द कैंसर। ये आपको समझ आ गई है टेलोमेरेज एक्टिविटी क्या होती है, और ये सिर्फ और सिर्फ यूक्रियाट्स में प्रेजेंट होती है, कहां होती है, ये प्रोक्रियाट्स में नहीं होती, और इसका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्शन होता है, ठीक है। और ये आपको पता है इंफॉर्मेशन को लॉस करने से भी बचाता है, ये मैंने आपको बता दिया कि इंफॉर्मेशन ये लॉस नहीं करने देता, और ये थ्री प्राइम एंड पे लगाता होता है, कहां पे लगाता होता है, ये देखिए ये थ्री प्राइम एंड है ना, तो यहां पे आके ये लगाएगा, ऐड करेगा, ठीक है, ये थ्री प्राइम एंड के ऊपर आपका टेलोमर सीक्वेंस आके लगाएगा, समझ आ गया है, पक्की बात है, इसको रिपीट करूं या रीडिंग करूं, आप रीडिंग में रिपीट भी हो जाएगा है, और सब कुछ उसमें हो जाएगा, मैं देख लूं कि यहां से आपकी कोई चीज रह ना गई हो। अल्लाह, चलें जी रीडिंग कर लेते हैं, टाइम भी काफी हो गया। डीएनए रेप्लिकेशन, मेरी स्पीड तेज तो नहीं थी पढ़ाते हुए, ठीक थी ना। यूकैरियोटिक डीएनए रेप्लिकेशन इज मोर कॉम्प्लेक्स देन इन प्रोकैरियोट्स, मैंने पहले बताया, बट यूजेस मेनी एंजाइम्स एनालॉगस टू द दोज लिस्टेड बिलो, एंजाइम दोनों के ऑलमोस्ट क्या होते हैं, सेम होते हैं थोड़े से डिफरेंस के साथ, लेकिन जो यूकैरियोट्स की रेप्लिकेशन होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है, और प्रोकैरियोट्स क्या होती है, इन बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव मेथड, मैंने बता दिया, इन्वॉल्व्स कंटीन्यूअस एंड डिसकंटीन्यूअस, कंटीन्यूअस कौन सा स्टैंड होगा, leading stand continuous, or discontinuous stand will be lagging stand, that is Ogata ke fragments, synthesis, and synthesis hamesha kis direction mein hoti hai, 5 prime to reading kis direction mein hogi, 3 prime to bhale wo proof reading ho ya fir normal polymerase reading ho, jo aapki synthesis hogi wo 5 prime to 3 prime, okay, origin of replication, particular consequences sequence in genome where dna replication begins, maybe single in prokaryotes, why prokaryotes mein single kyu hoti hai original replication, because their dna is in circular form, and multiple in eukaryotes, why multiple, because it is lengthy hota hai, lamba hota hai, isliye hum zyada original replication banate hain taki jaldi uski replication complete ho jaye, at yani adenine thymine rich sequences such as tata box regions are found in promoters and origins of replication, ye jo jahan se replication start hoti hai na, वहां पर ये टाटा बॉक्स को ज्यादा पाए जाते हैं, इनको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे, डिटेल में हम इसको आगे देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन में, लेकिन अब यहाँ पर ये देख लें कि जहां से रेप्लिकेशन स्टार्ट हो रही है ना, यहाँ से, तो इसके पीछे वाला जो एरिया होता है इसको बोलते हैं प्रमोटर एरिया, यहाँ पर आपके टाटा बॉक्स ज्यादा होते हैं, यानी यहाँ पे आपका TATA सीक्वेंस क्या होता है, रिच होता है, ये सीक्वेंस ज्यादा होता है, समझ आ गया। रेप्लिकेशन फॉर्क, वाई शेप्ड रीजन अलोंग डीएनए टेम्पलेट वेयर लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड आर सिंथेसाइज्ड, ओके, दोनों स्टैंड बनेंगे यहां पर। हेलिकेज अनवाइंड्स डीएनए टेम्पलेट एट रेप्लिकेशन फॉर, समझ आ गई चीज, हेलिकेज हाफ्स डीएनए, यानी डीएनए को क्या करता है, हाफ करता है, दो स्टैंड बनाता है उसके, डेफिशिएंट इन ब्लूम सिंड्रोम BLM जीन म्यूटेशन, ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको, सिंगल स्ट्रैंड बाइंडिंग प्रोटीन प्रिवेंट स्टैंड फ्रॉम रीअनीलिंग, रीअनीलिंग का मतलब होता है डीएनए का दोबारा आपस में, ये जो स्टैंड अलग हुए थे इनका दोबारा आपस में मिल जाना, दैट इज रीअनीलिंग। डीएनए टोपोआइसोमेरेज क्या करता है, क्रिएट्स अ सिंगल और डबल स्टैंडर्ड ब्रेक इन द हेलिक्स टू ऐड और मोर रिमूव द सुपर कॉइल्स, उन कॉइल्स को रिमूव करने के लिए। अच्छा, अब यहां पर फार्माकोलॉजी अप्लाई कर रहा हूं मैं यहां पर, ये मैंने नहीं बताई, मैंने कहा था जब रीडिंग करेंगे तब बता दूंगा। यूकैरियोट्स के अंदर यू यूज द ड्रग इनोटिकैन एंड टोपोटिकैन, इनहिबिट द टोपोआइसोमेरेज 1, ठीक है,
टोपोएसोमरेज वन इनहिबिटर्स कौन सी ड्रग्स होती हैं आपकी? इरिनोटिकैन और टोपोटिकैन। टोपोएसोमरेज वन को क्या करती है वो? इनहिबिट करती है। देखें ये बल्ब है, ठीक है, यहां पर मैंने खोल दिया इसको, ये बल्ब बढ़ जाएंगे ना। अब इन बल्ब को हमने खोलना है, खोलेगा कौन? टोपोएसोमरेज वन। अगर टोपोएसोमरेज वन को ही मैं इनहिबिट कर देता हूं किससे? इरिनोटिकैन या फिर ट्रोपोटिकैन ड्रग से, तो क्या ये बल्ब खुलेंगे? नहीं। तो मतलब आपका डीएनए क्या हो जाएगा? डिग्रेड। जब डीएनए डिग्रेड हो जाएगा मतलब सेल की क्या हो जाएगी? डेथ। सो अगर हम कैंसर सेल को ट्रीट करना चाहते हैं, हम अपने यूकेरियोटिक सेल के किसी भी सेल की डेथ चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? टोपोएसोमरेज 1 को क्या करेंगे? इनहिबिट। तो डीएनए ब्रेक कर जाएगा, तो डीएनए नहीं होगा तो क्या रेप्लिकेशन होगी? नहीं, और कैंसर सेल क्या हो जाएगी? डेथ हो जाएगी। तो इस तरह इरिनोटिकैन और टोपोटिकैन इनहिबिट द टोपोएसोमरेज 1, जबकि इटोपोसाइड और टिनोपोसाइड ये टोपोएसोमरेज 2 को इनहिबिट करती है। टोपोएसोमरेज 2 का दूसरा नाम क्या है? डीएनए गायरेज। डीएनए ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, डीएनए गायरेज, सॉरी चले, इरिनोटिकैन और टोपोटिकैन इनहिबिट द टोपोएसोमरेज 1 एंड एटोपोसाइड एंड टिनोपोसाइड इनहिबिट द टोपोएसोमरेज 2। इट वाज अबाउट द यूकेरियोट्स एंड इन प्रोक्रियाट्स। अब एंटीबायोटिक्स ड्रग्स यूज करते हैं, फ्लोरोक्विनोलिन्स, सिप्रोक्सिन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन, ये जो ड्रग्स हैं ये इनहिबिट करती हैं आपके टोपोएसोमरेज 2 को, यानी डीएनए गायरेज को, और टोपोएसोमरेज 4 को प्रोक्रियाट्स के अंदर। ये टोपोएसोमरेज 2 एंड टोपोएसोमरेज 4 को जाके इनहिबिट करेगा, तो आपका जो प्रोक्रियाट्स का जो डीएनए है वो डिग्रेड हो जाएगा, डीएनए उनका मर जाएगा, तो प्रोक्रियाट्स की डेथ हो जाएगी। इस तरह जो बायोटिक्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो इसकी आपकी इस तरह आपकी एंटीबायोटिक सिप्रोफ्लॉक्सासिन और लिवोफ्लॉक्सासिन। तो आज जाके घर बोले, मतलब अपने फ्रेंड्स को बोले कि बड़े डॉक्टर बने फिरते हो, बताओ जरा लिवोफ्लॉक्सासिन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन प्रेस्क्राइब तो कर देते हो कि ये एंटीबायोटिक्स हैं आपके फीवर को ठीक करते हैं, मुझे बताएं कैसे ठीक करती है। तो आप जाके उनको बताएं कि ये जो है ना टोपोएसोमरेज 2 को जो है ना इनहिबिट करता है, तो आपका डीएनए जो है ना वो टूट फूट जाता है, तो इस तरह जो बैक्टीरियल सेल होता है उसकी क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। अच्छा, एक मैं यहाँ पर मिस्टेक कर गया हूँ कि जो टोपोएसोमरेज 2 होता है ना, इसको डीएनए गायरेज बोलते हैं, लेकिन सिर्फ प्रोक्रियाट्स में, यूकेरियाट्स में नहीं। यूकेरियाट्स में इसको टोपोएसोमरेज 2 बोलते हैं, प्रोक्रियाट्स में इसको टोपोएसोमरेज 2 भी बोलते हैं और डीएनए गायरेज भी बोलते हैं। समझ आ गई ये चीज है? प्राइमेज मेक्स एन आरएनए प्राइमर ऑन व्हिच डीएनए पॉलीमरेज 3 कैन इनिशिएट द रेप्लिकेशन। समझ आ गई चीज? समझाऊं, DNA polymerase 3 prokaryotes only, ये DNA polymerase 3 किस में होता है? prokaryotes में, और eukaryotes में कौन सा होता है? alpha and delta, elongates the leading strand by adding deoxynucleotide strands, यानी deoxynucleotide मतलब DNA के nucleotides है, to the 3 prime end पे लगाता जाता है, वो जो 3 prime end पे hydroxyl लगी हुई थी, elongates lagging strand until it reaches the primer of preceding fragment, ठीक है। DNA polymerase 3 has 5 prime to 3 prime synthesis and proofreads with 3 prime to, ये मैंने बता दिया है। Drugs blocking, अच्छा ये और drugs आ गई है। Drugs blocking DNA replication often have a modified 3 prime hydroxyl, जो drugs DNA की replication को block करती हैं, अब ये 3 prime पे क्या था? Hydroxyl था, इसके साथ polymerase ने आके क्या add करना था? 5 prime phosphate। अब वो यहाँ पर drugs आएंगी और ये जो hydroxyl है इसकी जगह पर modified 3 prime hydroxyl लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल नहीं रहेगा। जब यहाँ पर हाइड्रोक्सिल नहीं होगा तो क्या पॉलीमरेज यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड ऐड कर सकेगा? नहीं, तो आपकी डीएनए की रेप्लिकेशन इस तरह रुक जाती है, देयर बाय प्रिवेंटिंग एडिशन ऑफ द नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड चेन टर्मिनेशन। जहां तक डीएनए रेप्लिकेट हो चुका था वहीं पर टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डीएनए कंप्लीट रेप्लिकेट नहीं होगा। तो ये हम डीएनए रेप्लिकेशन जो ब्लॉकिंग ड्रग्स होती है, ये हम इंशाल्लाह फार्माकोलॉजी में डिटेल में पढ़ेंगे कि ड्रग्स ब्लॉकिंग डीएनए रेप्लिकेशन कौन कौन सी होती है और कैसे एक्ट करती है, या मैं उसका मैकेनिज्म देख लिया। समझ आ गया? नेक्स्ट देखें, डीएनए पॉलीमरेज 1 प्रोक्रियाट्स ओनली। डीएनए पॉलीमरेज 1 का काम क्या था? डिग्रेड्स आरएनए प्राइमर एंड रिप्लेस इट विद द डीएनए प्राइमर। और यूकेरियोट्स में ये काम कौन कर रहे थे? आरएनएज एच एंजाइम रिमूव करता था और पॉलीमरेज डेल्टा ऐड करता था, ठीक है। Same function as DNA polymerase 3 also excises RNA primers. अब ये जो उसको तोड़ता है, ये 5 prime to 3 prime direction में तोड़ता है, ठीक है,
उनको जो तोड़ता है ना, ये जो रिमूव करेगा उनको, तो कौन सी शक्ल में रिमूव करेगा? 5'2, यानी एक तरह की ये भी प्रूफ रीडिंग में ही आ जाएगा कि 5'3' उनको रिमूव करेगा एक्सोन्यूक्लियस और ऐड करेगा फिर उनको सेम डायरेक्शन में जैसे डीएनए पॉलीमरेज करते हैं। ठीक है, डीएनए लाइगेज कैटालाइजेस द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड विद इन अ स्ट्रैंड ऑफ डबल स्ट्रैंडेड जॉइंट्स होगा ताकि फ्रेगमेंट्स, ये होगा ताकि फ्रेगमेंट, ये दूसरा इसका 3' पे हाइड्रोक्सल था, इसके 5' पे फॉस्फेट, ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनवा देगा इनके दरमियान। ठीक है, टेलोमेरेज, हाय अल्लाह, बायोकेमिस्ट्री नहीं आसान है, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और बस डूब के जाना है, ये पूरी एमबीबीएस है ही आग का दरिया, बस हौसले अपने बुलंद रखें, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है लेकिन चीजें कवर हो जाती है। टेलोमेरेज ये कहाँ पे होता है? ये सिर्फ यूकेरियोट्स में होता है, टेलोमेरेज या फिर टेलोमर्स की एक्टिविटी प्रोकैरियोट्स में होती ही नहीं है, ये सिर्फ कहाँ होती है? यूकेरियोट्स में। अ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज दैट एड्स टीटीए जीजीजी सीक्वेंस टू द 3' एंड ऑफ क्रोमोसोम टू अवॉइड लॉस ऑफ जेनेटिक मटेरियल विद एवरी डुप्लीकेशन। समझ आ गई ये चीज या मैं समझाऊंगा इसको? आ गया समझ। ऑफन डिसरेगुलेटेड इन कैंसर सेल्स अलोइंग अनलिमिटेड रेप्लिकेशन, वहां पर अनलिमिटेड रेप्लिकेशन होती है। ठीक है, टेलोमेरेज ये उसका नमूने को उसने लिखा हुआ है कि याद कैसे करना है, आप ये नमूने याद करें ना करें तो आप इस तरह भी याद कर सकते हैं, TTA GGG। ठीक है, आप इस तरह भी याद कर सकते हैं या फिर आप इस तरह टेलोमेरेज का जो नमूने होता है वो होता है ताज फॉर ग्रेटनेस एंड ग्लोरी, जो आप ताज पहनते हैं मतलब वो ग्रेटनेस और ग्लोरी के लिए, मतलब आप इस तरफ उसको लेके जा सकते हैं। अच्छा, इधर आपको एक चीज इजाफी बता दूं, अब जरा फोकस करना है, जरा मजीद मैं कॉम्प्लिकेट जा रहा हूँ, इसलिए मैंने ये मैंने पहले इसलिए नहीं बताया क्योंकि आपको पहले वाला भी भूल जाता, मैं आप कॉम्प्लिकेट जा रहा हूँ। जब ये रेप्लिकेशन फोर्क बनता है, ये देखें, ये डीएनए है, ये डीएनए है, यहाँ पर एक रेप्लिकेशन फोर्क बना हुआ है ओरिजिनल रेप्लिकेशन, इधर और बनेगा है ना, इधर और बनेगा, ऐसे ये खुलता जाएगा, मतलब एक से ज्यादा जगह पर ये खुलेगा। अब यहां पे जो खुला तो इसको दो में डिवाइड कर दे, ये दो में डिवाइड हो गया, अब इसके रेप्लिकेशन फोर्क कितने बन गए हैं? दो, एक यहां पर और एक यहां पर। इसका जो ये वाला स्टैंड होगा यहां से यहां तक कंटिन्यूस आ रहा है, कंटिन्यूस आ रहा है, कौन सा स्टैंड है? और ये वाला कौन सा है? क्योंकि ये डिसकंटिन्यूस है। नाउ इन द सेम ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेकंड रेप्लिकेशन फोर्क, दैट इज हियर। अब इसका जो लीडिंग स्टैंड है और इसका जो लैगिंग स्टैंड है ऊपर है, समझ आ गई है? अब यहां से आपके जो ओकाजा के फ्रेगमेंट्स बनते हुए आ रहे होंगे, आ रहे होंगे, आ रहे होंगे, वो यहां पर देखेंगे यार यहां पर तो ऑलरेडी लीडिंग स्टैंड बना हुआ है, तो वो यहां से जंप करके इधर मूव कर जाएगा क्योंकि ये इधर मजीद खुल चुका होगा, फिर इधर ऐसे तो वो मूव करके यहां आ जाएगा, फिर बनाएगा, फिर देखेगा यार यहां पर तो उसका कौन सा स्टैंड है? लीडिंग स्टैंड है। तो इस तरह आपके ओकाजा के फ्रेगमेंट्स बनते हैं, ये बात समझ आ गई है कि ये बाई डायरेक्शनल किस तरह होता है कि ये इसके दो स्टैंड्स बनते होते हैं। ठीक है, तो ये देख लें आप, ये देख लें। अच्छा, अगर नाम ना लिखा हो, ये नहीं लिखा हुआ नाम, ये नहीं लिखा हुआ, ये नहीं लिखा हुआ, ये नहीं लिखा हुआ, और मैंने ये, अब मुझे बताएं, मैं इसकी बात करता हूं, डॉक्टर जुबैर, सारे डॉक्टर्स मुझे बताएं कि यहां पर आप लोग कैसे पहचानेंगे कि लीडिंग स्टैंड कौन सा है और लैगिंग स्टैंड कौन सा है? वेरी गुड, अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्क दैट विल बी द लैगिंग स्टैंड एंड टुवर्ड द रेप्लिकेशन फॉर्क दैट विल बी द लीडिंग स्टैंड। फर्स्ट थिंग ये है पहचानने के लिए, आपने डायरेक्शन देखी, एंड टेल मी अबाउट द सेकंड थिंग, ओकाजा के फ्रेगमेंट्स, वेरी गुड, दैट विल बी द लैगिंग स्टैंड, एंड जिसमें ओकाजा के फ्रेगमेंट्स नहीं होंगे दैट विल बी द लीडिंग स्टैंड। ओके, टेल मी द थर्ड रीजन। नहीं, सेम, वो सेम होगा, वो दोनों का सेम होगा, रीड और सेंसिस वो दोनों का सेम होगा। नाउ टेल मी द थर्ड पॉइंट। नो, रीडिंग विल बी ऑलवेज फ्रॉम 3' टू 5', दोनों स्टैंड्स की 3' टू 5'। देखें डॉक्टर जुबैर, अगर ये है 5' टू 3' है, तो फिर ये इसका जो दूसरा स्टैंड होगा 3' टू 5' होगा। अब ये इसको इस तरफ रीड कर रहा है और इसको इस तरफ रीड कर रहा है, तो ये देखें ये 3' टू 5' रीडिंग है, ये भी 3' टू 5', रीडिंग सेम है। एक चीज हमने डायरेक्शन की देखी, दूसरी हमने ओकाजा के फ्रेगमेंट्स की देखी, एंड द थर्ड रीजन इज दिस। आप यहां पर देखेंगे, आपने कहा कि लैगिंग स्टैंड में एक से ज्यादा प्राइमर्स आते हैं, है ना, और लीडिंग स्टैंड में सिर्फ एक प्राइमर आता है, तो आप प्राइमर को देख के भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा यहां पर तो अच्छा ये वाला स्टैंड नीचे क्यों आ गया है?
क्योंकि ये टूवर्ड्स मूव कर रहा है ना, इसका रेप्लिकेशन फोर्क इस तरफ हो रहा है, तो ये इस तरफ मूव करेगा, ठीक है, तो इसका ऊपर की तरफ चला जाएगा, इसका नीचे की तरफ चला जाएगा। आई होप सो दैट आपको डीएनए रेप्लिकेशन समझ आ गई होगी कि नहीं समझ आई। अगर समझ नहीं आई तो अल्लाह वालों फिर मैं और कुछ नहीं कर सकता, इतना ही था, मेरे गले में काफी वो हो गया। समझ आ गई है? चलें, वेरी गुड, ओके, अल्लाह हाफिज़, क्लास डिसमिस।